शिवपुरी जिले के करैरा विधायक रमेश खटीक और कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने किसानों को धान की फसल की बोनी करने के लिए मोहनी सागर बांध से नहर में पानी छोड़ा है। बता दें कि करैरा विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर किसान धान की फसल करते हैं। क्षेत्र में बरसात के पानी की बाट जो रहे लगभग 300 गांव के किसान धान बोनी के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे, तभी क्षेत्र के किसानों की समस्या के समाधान के लिए विधायक रमेश खटीक ने शिवपुरी कलेक्टर से चर्चा कर मोहनी बांध से निकलने वाली मेनकेनाल नहर में पानी छोड़ा, जिससे क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विधायक रमेश खटीक के इस कदम से अब किसान अपनी धान फसल की बोनी कर सकेंगे। पानी कम, ऊपर के डैम में भी पानी कम, लेकिन किसानों की समस्या ये कि इन्होंने जो बुवाई कर दी है धान की वो बड़ी हो रही है और वो खेतों में लग नहीं पा रही थी, पानी भी नहीं बरस रहा, तो और इन्होंने जो है बाहर से अपने लेबर मंगा लिए जो बिहारी है, तो कुछ लोगों ने तो उनने अपने मोटर पंप से धान लगा ली, अब जो थे उन्होंने लगा कि हमारे सारा नुकसान हो रहा, ओले भी पड़ गए थे पहले, तो कुछ गांवों में ओले पड़ने से किसान पहले भी परेशान था, और अब यहाँ पर आए तो हाथ खड़े कर लिए अधिकारियों ने, उनका भी जिम्मेवारी है कि भाई पानी पीने के लिए चाहिए, इसलिए हमने किसानों से भी यहाँ आए किस बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं बैठक रखवाता हूँ, बैठक में भी उन्होंने अधिकारियों से बोल दिया तो अधिकारियों ने जी कहा कि साहब आप हमें लिखे थे 80 गांव तो दुआब पे है और 120 गांव जुआर बीच में है, और ग्वालियर जिले में भी पानी जाएगा, दतिया में भी जाएगा, 300 गांव मान ले तीनों नहर में टोटल।